कीजिए AHN न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। काचीगुड़ा बकरा मंडी में कुर्बानी के जानवरों में सन्नाटा। ईद उजहा के मौके पर शहर हैदराबाद के इलाके काचीगुड़ा कमेले में कुर्बानी के जानवरों की हर बरस बड़ी मंडी लगा करती थी, लेकिन इस बरस लॉकडाउन का मंडी पर शदीद असर पड़ा है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ काचीगुड़ा बकरा मंडी में ईद उजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की मंडी में सन्नाटा छाया हुआ है। हर बरस जहां सैकड़ों की तादाद में कुर्बानी के जानवर दस्तियाब होते थे, लेकिन महलूकवा कोरोना वायरस लॉकडाउन के सबब वहां सन्नाटा है। बकरा फरोख करने वाले ताजरीन का कहना है कि काचीगुड़ा बकरा मंडी में कोरोना वायरस के खौफ से लोग जानवर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। और तो और काचीगुड़ा बकरा मंडी में बारिश का पानी खड्डों में ठहर गया है, जिसकी सफाई के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। ताजरों ने GHMC के हुकाम से मुतालिबा किया कि वहां पर मौजूदा आलूदा पानी की सफाई की जाए। इस आलूदा पानी भी बकरा खरीदने वाले अवाम की रुकावट बना हुआ है। कुछ लोग गंदगी की वजह से भी बकरा खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। इस साल के बकरों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। कीमतें कुछ इस तरह है, 8,500, 9,000, 10,000, 12,000 और भी मजीद कीमतों में दस्तियाब है। आइए देखते हैं AHN न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद वसीम AHN न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। बकरीद का माहौल है, ईद की सरगर्मी चालू है, इसके लिए हम लोग कमेले का एक काचीगुड़ा कमेले के पास आए हैं। इसका रास्ता यानी कि कैसा क्या बकरे का चल रहा और कितने यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि जो कोरोना वायरस के चलते ये वबा के चलते इसकी वजह से पूरा एकदम कोई पब्लिक आके ख़रीदने के लिए कुछ लेने के लिए बहुत सारे लोग डर रहे हैं, यहाँ पर कोई आ रहे नहीं, और बहुत सारे यहाँ पे काम करने वाले भी पूरे परेशान हैं। जो पैसा लगा के बैठे हैं कुछ उम्मीद से, वो लोग भी पूरे परेशान हैं। आइए एक बार उनसे बात करते हैं। बोलिए साहब, कितने दिन से, नाम क्या है आपका? मेरा ख्वाजा पाशा मेरा नाम है जी। मैं आप कितने साल से यहाँ पे? 20 साल से जी। 20 साल से? 20 साल से काम कर रहा हूँ। ये साल कैसा है आपको? पिछले साल तो बकरीद में आप लोग अच्छा करे थे, फिर ये साल कैसा है? कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, धंधा नहीं है जी। माला आए, माला नहीं आ रहे हैं जी, माल महंगा बोल रहे हैं जी। ग्राहक कैसा है आपका? ग्राहक भी नहीं है, नाम नहीं है जी। ग्राहक देखेंगे पता, ग्राहक नहीं है जी, खाली पड़े हुए जी। आज नहीं जो कल चलेगा, धंधा नहीं है, परेशान है, परेशान है बहुत, पब्लिक पूरी परेशान है जी। कार दाम लगाने को तैयार नहीं है। आप तमाम ये बकरे आप लेके आए, इसका आप इस बार निकल सकता है या नहीं निकल सकता? नहीं, निकल जाएंगे इंशाल्लाह जी, माल निकल जाएगा। माल निकल जाएगा, क्योंकि साल से अपना कारोबार है ना भाई, जितना आप पिछले साल करें ये साल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसा आप हर साल हम 1,000 बकरा बेचते थे जी जी, अब का साल हम 200-300 बकरे में हाल हो गए जी जी। ऐसा है, धंधा बिल्कुल नहीं है, लेबर के वजह नहीं कर रहे आजकल जी, कारोबार करे तो ऐसा धंधा होगा हमारा। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस निकले हुए हैं उसकी वजह से आपको कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही जी, परेशानी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से परेशानी, जो हार लोडर जो परेशान कर रही है गवर्नमेंट वाले, कोई आपको यानी जो गाइडलाइंस में चलना है उसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है? वाले बाहर नहीं डरना बोल रहे, रोड पे नहीं डरना, कहीं नहीं डरना, कहीं डर के अपनी जगह में बिकना अंदर जी। तो इस तरह से चला खराब है, तो इसलिए कि हम लोग अभी माल नहीं मंगा रहे, माल आने को तैयार नहीं है, गाँव में जाने को माल नहीं आ रहा, गाँव से जाते ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत हो जा रहा जी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बहुत हो जा रहा, पैसे इन्वेस्ट करे सो निकलता नहीं निकलता बोलकर डर लग रहा, गिराज नहीं है, माल अब बकरे लेके आए उसको डेली दो दिनार का चारा होना जी, वो निकलना मुश्किल हो गया हम लोग। पिछले साल आप लोगों को ये नहीं था, बहुत सुकून था, ये साल ही आप लोगों को बहुत परेशानी तकलीफ हो रहा। ठीक है, दूसरे और व्यापारी अंदर मौजूद है, उनका क्या हाल है आज देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद समीर है साहब जी, हमारे पास बकरे एक के मतलब अब पैसा बोले तो हमारे पास ही के हमारे को 8,000 रुपये से मिल रहा, तो आगे वाले कने देंगे बोले तो क्या हिसाब से देंगे? करोना गिरोना आने से बकरों के पास कोई भी आ रहे नहीं जा रहे नहीं भाई, उसके हिसाब से क्या हिसाब से मतलब बकरा बेचना हम लोग, कोई आए तो हिसाब से गाली में मिलते भाई, वैसा भी नहीं हो रहा।
ऐसा भी नहीं हो रहा। ये बार रेट आपको रेट बहुत ज्यादा मिला, आप लोगों को खुद भी रेट ज्यादा मिला? खुद भी ज्यादा रेट मिला हुआ है हमारे, कुछ 7,000-8,000 रुपए से बकरा मिला। तो आप कस्टमर को कहाँ तक देना चाह रहे हो, बकरा कितने तक दे सकते हैं आप? हम लोग देखो भाई, हमारे को 200 रुपए बस है जी, 200 रुपए के हिसाब में भी हम लोग बेचे तो बस हमारे एक बकरे में 200 रुपए, इससे क्या फायदा होता आपको जो आप चारा डाले? हमारे पास बस चारा एक बकरा को नहीं खाता, खा पूरे बकरे खाते हैं तो पूरे बकरों के हिसाब में 200 रुपए एक बकरे के हिसाब में मिल जाएगा बस हमारे। इतना भी नहीं बोले तो फिर फायदा नहीं है ना, सब 7,000-8,000 रुपए से बकरा जा रहा है। 8,000-9,000-10,000 रुपए बोल रहे बकरे का रेट, कोई नांडी की तरफ से किसी के लिए पैसा नहीं है बकरीद की कुर्बानी देने के लिए, और इसलिए लोगों से आते से गुजारिश करता हूँ ये बकरे के रेट मार्केट से कम आई है तो कुर्बानी दे सकते हैं मुसलमान। अभी क्या रेट चल रहा सब, अभी बकरे का रेट क्या चल रहा है? 8,000-9,000 रुपये मार्केट में चल रहा बकरे का रेट जी, 12 किलो का 10 किलो का बकरा 8,000-9,000 रुपये बोल रहे हैं। पिछली ये जो अब 8-10,000 रुपये चल रहा सब, ये रेट पिछली बकरीद में कितना था यानी पिछली बार ये था? बिक्री बकरीद में तो वो 5,000-6,000-7,000 रुपये था, अब 9,000 रुपये कोई 90 के तरफ से और महंगा बढ़ गया बकरे का रेट, कम होना चाहिए लोगों कुर्बानी देने के लिए जी। और ये जो गवर्नमेंट रेल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी प्रॉब्लम बहुत हो गया मार्केट में, यानी खरीदार खरीदने वालों को भी प्रॉब्लम हो गया, फिर बेचने वालों को भी प्रॉब्लम चल रहा, इसकी वजह से रेट ज़्यादा हो चुके ज़्यादा हो गए इसके जी। इस वजह से ये गवर्नमेंट की तरफ से इसके तरफ से इसकी महंगाई बढ़ गई, इसके रेट बढ़ गए बकरे के, 9,000-10,000 रुपये चल रहा है इसकी मार्केट का रेट जी। अब इसको गलत गलत अब लोगों को कुर्बानी हर किसी को दी जाती है, इसलिए रेट इसके कम करे तो कोई भी खरीदार खरीद सकता, इसकी कुर्बानी दे सकता। गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और भी ये करना है, लेकिन फिर भी यहाँ देखें तो ये मवेशियों को बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, जैसा कि देखा जा रहा है ये पानी की वजह से तकरीबन लोग परेशान है कि ये पानी की वजह से लोग कारोबार नहीं कर सक रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का तो GHMC वाले लोगों को सब चीज़ का ताकीद कर रहे हैं, लेकिन ये पानी की गंदगी की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही। आइए एक बार इनसे बात करते हैं, इनको क्या तकलीफ हो रही है। पूरा तबलीग हो रहा था, पूरा पानी आया तो पैसा जाना पैसा आना, था जो जिन आदमी गिर गए साहब, पूरा जाते जाते जो जिन आदमी गिर गए, बहुत तबलीग हो गया सर, आना जाने के बहुत मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट वाले कोई भी मदद नहीं कर रहे आपको इसके लिए, साफ सफाई करने GHMC वाले नहीं दे रहे? हाँ खर्चा बढ़ रहा, खर्रा नहीं है सर, हाँ खर्चा बढ़ रहा, गाड़ी लाए वही लगाए वो स्टार्ट करा, पानी जा रहे नहीं है वो मोरी का पानी, गाड़ी ला के स्टार्ट करा जा रहा नहीं है, और ढक्का निकाला जा रहा तो करते नहीं है लोग, तो क्या साहब बहुत तकलीफ हो रहा। कारोबार का क्या साहब बोल नहीं सकता, वही रहता है मेरा आता नहीं आता बोल नहीं सकता साहब, हाँ वो भी परेशान है हमारा, हम जाना आ गए आने के बहुत मुश्किल हो गए साहब। पिछले बार को ये बार को बहुत फर्क है तुम्हारे को तकलीफ में? बहुत तकलीफ है सर हमारा को, हाँ बहुत तबलीग है। आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं? हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तबलीग है बोल के बोल रहा सर, तो कारोबार कैसा होता, क्या होता, अच्छा होता बुरा होता, आना जाने के 2-3 आदमी गिर गए सर अंदर, हाँ वो इसलिए बहुत तबलीग हो गया है। आपका मुतालबा रहा है ये पानी पूरा साफ हो जाना, साफ कारोबार करने के लिए कारोबार करके सीधा लेबर करना, रोड घड़ा है साहब, ठीक है घड़े से बहुत तबलीग हो। हमारे HN News को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे वक्त पर।